हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं मार्केट कहाँ पे मूव करा है और कल की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती है हमें ट्रेड करने के लिए। आज एक्सपायरी डे था एंड जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट क्लीन ऑल दीज लेवल्स फर्स्ट सो दैट यू नो आई कैन एक्सप्लेन टू यू। आज एक्सपायरी डे था। आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम टुडे इन द मार्केट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली आज। बट एक सरप्राइज ओपनिंग हो गई, बहुत ही सरप्राइजिंग ओपनिंग थी। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज कल अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला लेवल के नीचे अगर ट्रेड किया उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें कि ये जैसे एक ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद अब देखोगे यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे तक आ जाएगा। बट अगेन कल ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें मिली, मैंने ट्रेड लिया, कल यहाँ पे सेल किया जैसे ये ब्रेक किया, बट उसके बाद टारगेट पूरा नहीं मिला, बट एंड ऑफ द डे मैंने एग्जिट कर लिया। बट अगेन आई डिड नॉट गिव मी पूरा टारगेट यहाँ तक। बट आज अब अगर आप देखोगे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये कंटिन्यू कर लेगा शायद नीचे, बट अगेन इट वॉज अ वेरी सरप्राइज ओपनिंग टूडे एंड लुक्स वेरी स्ट्रांग। जो यू नो बाइंग साइड के साइड से एक अपॉर्चुनिटी मिली आज। सो व्हाट हैपन टुडे, इट ओपन, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इट ओपन विद अ ह्यूज गैप अप, गैप अप के बाद एक सस्टेन भी किया दो कैंडल्स, उसके बाद यू नो इट स्टार्टेड फॉलिंग। बट आप देखोगे एग्जैक्टली कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो हमने एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करी थी जो लास्ट टाइम ब्रेक हुई थी, और आप देखो कि नाउ अगेन द रेजिस्टेंस इज एक्टिंग लाइक सपोर्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंड सिंपल चीज़ें ही वर्कआउट करती है। आप देखो कितना अच्छे से इस सपोर्ट, अर्लियर रेजिस्टेंस पे नाउ कन्वर्टिंग टू सपोर्ट। इट हैज़ टेकन द सपोर्ट टुडे और एक अच्छी खासी मूव इसने अपसाइड दी है इन द सेकेंड हाफ। आई पर्सनली टुक अ कॉल ऑप्शन टुडे सो दैट यू नो इसी एरिया के आसपास वेयर थोड़ा बुलिश लग रहा था ड्यूरिंग द डे इंट्रा डे में। हाउएवर लॉन्ग टर्म अभी भी नेगेटिव है सस्टेन, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तब तक अभी भी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। हाउएवर इंट्रा डे में आज देवर अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग और अच्छे खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। सो आई होप कि आपने भी वो अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करी। मैंने खुद यहाँ पे जब ये सपोर्ट पे ले रहा था ये वाला सपोर्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से, और ये यहाँ पे एक ब्रेक थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट भी दे दिया ये वाला, एंड जब ये रिट्रेस हुआ यहाँ पे ये दो कैंडल्स में मैंने एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड ले लिया। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी आर मूव फॉर टुमारो, और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इट रियली एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो कल का अगर एक ये वाला स्विंग हम नोट कर लेते हैं, ये देख लीजिए इस स्विंग के आसपास भी देर आर सम प्राइस एक्शन। पिछला वाला स्विंग एक बहुत बड़ा फॉल था, ये वाला एक स्विंग अगर ब्रेक करता है तो मेरे लिए ये इजी ट्रेड हो जाएगा, ये वाला कैप्चर मूव करना यहाँ तक। सो यहाँ तक मैं आराम से मूव कर सक मतलब एक कॉल का कॉल की साइड से हम सोच सकते हैं, बाइंग की साइड से सोच सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा गैप इसको मिल जाएगा अगर ये पिछले आज के हाई को ब्रेक करता है तो एक ऊपर साइड से आराम से मिल सकता है हमें ट्रेड। अगर अब सेलिंग साइड से अब कब हम सोचेंगे, सी इस वाले एरिया में दोबारा आ जाता है तो अगेन आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग फॉर सम टाइम। बट अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, व्हाट आई कैन डू इज अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है देन मे बी आई कैन बी इंटरेस्टेड वंस अगेन फॉर सेलिंग। ये वाला जो एरिया मैं नोट कर रहा हूँ, सो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अगेन देन। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स टुमारो, एंड अगर ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन रही देन वेट फॉर द प्राइस एक्शन। हाउएवर अगर ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होता, ऑलमोस्ट इसी लेवल्स के आसपास ओपन होता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलता है तो यू कैन गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लेट्स लर्न टुगेदर, थैंक्स अ लॉट।